अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 7 की द लर्निंग ऑफ साइंस। आपका बुक टाइटल द लर्निंग ऑफ साइंस जो है ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं और हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये चैप्टर जो है इसको हम जो है इस वीडियो के अंदर हाफ डिस्कस करेंगे, हाफ रीडिंग करेंगे इसकी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 61 से, यानी कि ये टॉपिक है आपका व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम स्टार्टिंग से, और इसके बाद जो है ये हम ख़त्म कर रहे हैं इसको पेज नंबर 68 पे, यानी कि फूड वेब पे इस वीडियो के अंदर। दे कैन बी एज लार्ज एज अ डेजर्ट, ये इतने बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि एक सहरा और लेक या फिर एक नहर, एंड एज स्मॉल एज अ ट्री और अ पुडल, या फिर इतने छोटे भी हो सकते हैं जैसे कि एक दरख्त। मेजर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो अहम हिस्से हैं वो सॉइल है, एटमोसफेयर है, हीट है, लाइट है, फ्रॉम द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज एनिमल। इकोसिस्टम के क्या हैं? सॉइल है, माहौल है, हरारत है, रोशनी है जो कि हम सूरज से हासिल करते हैं, पानी है, जानदार हैं, और उन जानदारों में वो जानदार भी आते हैं जो हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, और वहाँ से लेके वो जानदार भी जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लार्ज एनिमल्स का। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, सॉइल जो है एक अहम हिस्सा है इकोसिस्टम का। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ही हमें न्यूट्रिएंट्स मुहैया करता है, एंड मिनरल सॉल्ट्स फॉर प्लांट्स, और इसके अलावा जो है वो मादनियात नमकियात देता है पौधों को। सॉइल एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड्स वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉइल जो है ये एब्जॉर्ब करता है और पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है उस पानी को प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ होम, इसके अलावा ये घर भी देता है फॉर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा जानदारों को। द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, इसके साथ ही जो एटमोसफेयर है वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करती है तमाम जानदारों को। नेक्स्ट पेज, द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट, सन सूरज जो है ये मुहैया करता है हरारत और रोशनी। हीट कीप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स वार्म, हीट जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो वार्म रखती है। विदाउट लाइट और रोशनी के बगैर प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते। वाटर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, हर किस्म की ज़िंदगी के लिए पानी जो है ये बहुत अहम अज्जा है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर, पानी की गैर मौजूदगी में ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं हो सकती। प्लांट्स कुड डाई विदाउट एयर वाटर एंड लाइट, प्लांट जो है वो मर सकते हैं, मर जाएंगे एयर वाटर और लाइट के बगैर। इफ़ प्लांट्स डाई, और अगर प्लांट्स मर जाएँ तो द एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन देम, तो वो जानदार जो उन पर मुनहसर करते हैं विल डाई, वो भी मर जाएंगे। इन द सेम वे इसी तरह से अदर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन दोज एनिमल्स विल डाई टू, और फिर इसी तरह से वो वाले जानदार जो उन जानदारों को खाते थे जो प्लांट्स को खाते थे वो भी मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जो है अननेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनी काइंड ऑफ द लाइफ, किसी भी किस्म की ज़िंदगी के लिए प्लांट्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। हैबिटेट है, हैबिटेट इज़ अ स्पीसी प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव, हैबिटेट मस्कन वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी स्पीसी जो है वो प्लांट की है या एनिमल की है वो रहती हो, पाई जाती हो। एन एनिमल नीड्स 5 थिंग्स टू सर्वाइव, किसी भी जानदार को 5 चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, पनाहगाह चाहिए, हवा चाहिए, और साथी चाहिए, कंपेनियंस, एंड ए सेफ प्लेस टू रेज इट्स यंग वंस, और फिर एक महफूज जगह चाहिए ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है वहाँ पे बड़ा कर सकें। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट्स चाहिए होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। हैबिटेट कैन बी बिग लाइक अ फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ओशन, और इट कैन बी स्मॉलर लाइक अ बरो। हैबिटेट इतनी बड़ी भी हो सकती है जैसे कि जंगल है, सहरा है, या फिर समंदर है, और इतनी छोटी भी हो सकती है जैसे कि छोटी सी जो है वो बरोबी। डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के मुख्तलिफ इकसाम। नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ हैबिटेट फॉर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानदारों के लिए जो है वो दुनिया के तकरीबन हर हिस्सा ही इसकी हैबिटेट है। अब वाटर हैबिटेट, मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स को देखते हैं। द बैंक्स एंड द मडी बेड्स इन द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सीम्स एक्सेट्रा मेक डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी, इसके अलावा ये जो साहली इलाके हैं और इसके अलावा जो ये कीचड़ वाले इलाके हैं जैसे कि दरिया हैं, नहरें हैं, झीलें हैं,
और तालाब है, ये सारे जो है ये हैबिटेट बनाते हैं बहुत किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। द वाटर इटसेल्फ इज फुल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा पानी खुद भी जो है वो लातदाद ऐसे जानदारों और प्लांट्स से भरा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक हैं। दिस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड फॉर अदर वाटर इनहैबिटेंट्स। ये छोटे छोटे जानदार जिन्हें वो खाने का काम करते हैं दूसरे पानी में रहने वाले जानदारों के लिए, जैसे कि स्नेल्स, वॉर्म्स, लार्वा बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स का जो कि मड में कीचड़ में रहता है, द बॉटम ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज, मुख्तिक किस्म की ये जो हमने रिवर्स, लेक्स, स्वैम्प्स, स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा है इनके सह में। पिछले दिन वाटर फीडिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मछलियाँ जो पानी में रहती हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फीड करती हैं प्लांट्स, वाटर प्लांट्स को और दूसरी क्रिएचर्स को। फिशेज आर अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट इन मैनी वेज सच एज। अब फिशेज जो हैं ये पानी में रहने की आदि कैसे हैं ये देखते हैं हम, कि हर जानदार के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं ऐसी जो कि उसको उस हैबिटेट में रहने में मदद करती हैं। द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ ए फिश मेक इट ईजियर टू मूव थ्रू द वाटर। पहली बात तो इसकी शेप जो ये देखिएगा, ये दोनों एंड से टैपर होती है और बीच से जो है वो चौड़ी होती है। ये जो शेप है इसको, इसकी शक्ल, इसकी शेप ये इसको मदद देती है पानी में आसानी से रहने के लिए ताकि ये मूव कर सके। फिश हैव स्विम ब्लैडर्स, फिश के पास स्विम ब्लैडर्स भी होते हैं विच इज़ लॉन्ग एंड स्किनी ऑर्गन, जो कि एक लंबा सा और स्किन में कवर हुआ ऑर्गन है। इट अलाउज अ फिश टू फ्लोट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द वाटर। ये अलाउ करता है फिश को कि ये जो है वो तैर सके, फ्लोट कर सके पानी में मुख्तलिफ जावियों के साथ। फिर इनके पास फिन्स होते हैं जो कि इनको स्विमिंग, विच हेल्प देम इन स्विमिंग, जो इनकी स्विमिंग में मदद करते हैं। टेल ऑफ़ द फिश कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। जो दुम है, टेल है फिश की, वो इसको मदद देती है कि ये अपनी सिमत में जो है तब्दीली कर सके। गिल्स हेल्प फिश टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसके अलावा गिल्स होते हैं इनके जो कि इसको पानी के अंदर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प देते हैं, विच इज़ डिसॉल्व्ड इन द वाटर, वो ऑक्सीजन जो कि पानी में हल होती है। फिर फिश हैव स्लिपरी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस ऑन देयर स्केल। फिर इनकी बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, वो स्केल जो है वो नमदार होते हैं, म्यूकस होते हैं, लेसदार से होते हैं, विच हेल्प देम टू मूव थ्रू द वाटर। ये भी इनको मदद देते हैं पानी में हरकत करने। अब हम अपनी नेक्स्ट हैबिटेट देखते हैं, दैट इज़ अ रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेन फॉरेस्ट जो है ये हैबिटेट है, मस्कन है, रहने की जगह है तकरीबन मिलियंस जानदारों के लिए। ऑर्चिड्स हैं, वाइन्स हैं और इस तरह से अदर प्लांट्स ग्रो हाई ब्रांचेस टू गेट द सनलाइट। ये बहुत ऊंचे ग्रो करते हैं उसको सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए। देयर रूट्स डू नॉट ग्रो डीप डाउन इन द सॉइल। इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा नीचे मजबूती से जो है वो ज़मीन में नहीं होती, सो दे कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डैम्प एयर। तो इसलिए ये पानी को जो है वो नमदार हवा से हासिल करते हैं। ब्राइटली कलर्ड फ्रॉग्स लिव अमंग प्लांट्स। खूबसूरत रंगों के जो वो हैं मेंढक हैं वो इन प्लांट्स के गिर्ड रहते हैं इन द वाटर, पानी में। द फीड ऑन लीव्स एंड इंसेक्ट्स, ये खाते हैं पत्ते और कीड़े। एनिमल्स लिव इन एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जानदार एनिमल्स, जानवर जो हैं ये जंगल के किस हर हिस्से में पाए जाते हैं। टॉक ऑन सर्च फॉर फूड इन द कैनोपी। स्पाइडर मंकी यूज योर लॉन्ग टेल्स टू स्विंग थ्रू द ब्रांचेज दैट रीच अबव द कैनोपी। ये जो टॉकन्स हैं ये जो है दरख्तों की टॉप से ऊंचाई से जो है वो खाना तलाश करते हैं। फिर स्पाइडर मंकी हैं जो कि अपनी टेल को इस्तेमाल करके एक शाख से दूसरी शाख की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपना खाना ढूंढते हैं। फिर जॉगर्स हैं, हंट इन द शेडो ऑफ द थिक फॉरेस्ट। ये भी जो है वो ये घने जंगल के छांव में जो है वो शिकार करते हैं। ग्रास लैंड हैबिटेट देर आर ओनली अ फ्यू ट्रीज। यहाँ पर सिर्फ चंद दरख्त होते हैं। दीज आर होम्स एंड शेल्टर फॉर सम स्मॉल एनिमल्स। और ये जो है घर होते हैं, पनागा होते हैं छोटे छोटे जानवरों के लिए। एन एनिमल नेम मी काट डिग बरो इन द ग्राउंड। एक जानदार है, एनिमल है जिसका नाम मी काट है, वो क्या करता है कि नीचे बरो खोद लेता है ग्राउंड में, उसके अंदर ज़मीन में। एंड दे लिव देयर एंड हाइड देमसेल्फ फॉर सेफ्टी व्हेन एन एनिमल इज नियर। और वहाँ पे रहता है और अपने आप को छुपा लेता है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी कोई दुश्मन जो है वो उसके करीब होता है। इन द ग्रास विच प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। घास जो कि फूड देती है एनिमल्स को, वो ग्रास लैंड में पाई जाती है। ज़ेब्रा ईट कर खाते हैं टॉप ऑफ द ग्रास घास को। एंड द एंटीलोप ईट करते हैं ग्रास को विच इज़ स्मॉल एंड नियर द ग्राउंड, जो कि छोटे होते हैं और ये भी ग्राउंड के पास रहते हैं। दीज हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि
प्लांट्स को खाते हैं, आर द फूड फॉर मीट ईटर्स लाइक लाइम, और ये फुल खुराक बन जाते हैं उनका जो कि गोश्त खाने वाले जानवर हैं जैसे कि शेर। यानी हम यहाँ पे इन शॉर्ट हम फीडिंग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं और देखिएगा कैसे एक जानदार दूसरे जानदार की खुराक बन जाता है और इसी तरह से हमारा ये जो रिलेशन है फीडिंग ये चलता जाता है। लाइन्स आर अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट्स इन मेनी वेज सच एज़, अब हम लाइन को पढ़ लेते हैं कि ये जो है अडॉप्टिव है अपने हैबिटेट की, अपने मस्कन की बहुत ज़्यादा तरीकों से। नंबर वन, द टोनी कलर ऑफ द लाइन ब्लेंड वेल विद द ग्रास विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज, जो उसका रंग है वो इसको जो है ग्रास उस हैबिटेट के साथ मिक्स कर देता है, जिसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। यानी कि जिस रंग की आपकी सराउंडिंग होती है उसी कलर का वो जानदार हो तो वो नज़र जो है वो नहीं आता इतनी आसानी से, वो उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ उसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो असेंबल होता है। तो इस तरह से ये बच्चे होते हैं इतनी आसानी से नज़र नहीं आते, कैमोफ्लेज हो जाता है। द साइज एंड द स्ट्रेंथ गिव्स देम द एबिलिटी, उनका साइज और उनकी ताकत उनको ये एबिलिटी देती है ऑफ प्रिंग एनिमल्स के वो जानवरों का शिकार कर सकें विच आर ट्वाइस द वेट लाइक ज़ेब्रा एंड एंटीलोप, ठीक है, जो कि उनके वजन से भी डबल हों जैसे कि ज़ेब्रा है एंटीलोप है इनका। लाइन्स आर एबल टू रिड्यूस योर बॉडी टेम्परेचर इन हॉट सीजन, इसके अलावा जो शेर हैं लाइन है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं जब सीजन गर्म होता है, समर आता है, बस सिटिंग अंडर डेंस फॉलिएज और ट्रीज जो है गहरी छाँव में या फिर दरख्तों के नीचे जो है वो बैठ कर। उसके बाद है देयर ह्यूज जॉस एंड शॉर्प टीथ हेल्प देम टू किल एंड ईट अदर एनिमल्स, इनके बड़े जबड़े और इनके तेज दांत इनको मदद देते हैं कि ये जानवरों को मार सकें और उनको खा सकें। देयर क्लॉज आर डिजाइन टू सिंक इन एंड हुक ऑन अ हैवी प्रे सो दे कैन ग्राउंड द एनिमल, उनके जो पंजे हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो जो है बिल्कुल एक हुक की तरह अपने शिकार के अंदर जो है वो बिल्कुल चले जाते हैं और ताकि वो उस जानवर को जो है वो काबू कर सके। एंड दे ट्रैवल टू प्रे इन डिफरेंट, इसके अलावा ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और सफ़र करते हैं अपने शिकार के पीछे भी और खुद को डिफेंड करने के लिए भी, खुद अपने तहफ़ के लिए। इसके अलावा डेजर्ट हैबिटेट, अगला हैबिटेट देखते हैं हम सहराई। डेजर्ट्स आर ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट जो हैं सहराई खुश्क जगह हैं विद लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है। दे आर हॉट ड्यूरिंग द डे, कि दिन के वक्त इंतहाई गर्म एंड कूल एट नाइट, और रात के वक्त इंतहाई सर्द होते हैं। द ग्राउंड इज सैंडी एंड रॉकी, और यहाँ की जो ज़मीन है वो एक तो रेतली है और पथरीली है। कैक्टस प्लांट्स आर वेल अडॉप्टेड फॉर ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, जो कैक्टस के पौधे हैं ये यहाँ के रहने इस माहौल में रहने के डेजर्ट में रहने के बहुत ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ रह सकते हैं। और दे स्टोर वाटर इन द थिक एंड फ्लैशली, कैसे, क्योंकि वहाँ पानी तो नहीं होता तो ये ज़मीन की बहुत नीचे जड़ डीप से इनको पानी को लेना पड़ता है, तो वो उसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं अपने मोटे और अपने जूसदार पत्तों में। द गोफर स्नैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेप्टाइल, फिर एक स्नैक है, स्नैक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये रेप्टाइल्स की किस्म है। इतनी इज़ अ डेजर्ट हैबिटेट, इनको भी सहराई माहौल चाहिए होता रहने के लिए। और गोफर स्नैक्स लाइक टू लिव इन एरियाज दैट आर हॉट विद लिटिल ग्रास एंड वेजिटेशन, ये स्नैक जो है ऐसा इन्वायरमेंट पसंद करते हैं रहने के लिए जो गर्म हो इंतहाई और वहाँ पे घास थोड़ी हो और हरियाली भी कम हो। दे ईट स्मॉल डेजर्ट रोडेंट्स लीजर्ड्स एंड बर्ड्स एंड डू नॉट नीड टू एक्सेस वाटर, ये जो खाते हैं छोटे छोटे डेजर्ट में रहने वाले जानवरों को, रोडेंट्स को, लीजर्ड्स को, बर्ड्स को खाते हैं और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। They find great hiding spots in rodent dens, sand and under rocks. इनको जो है वो छुपने के लिए जगह भी मिल जाती है बड़ी आसानी से रेत के अंदर या फिर पत्थरों के बीच में दरमियान में। This makes the desert a perfect habitat for them. और ये सारी चीज़ें डेजर्ट को बहुत अच्छा मस्कन बनाती हैं ऐसे जानदारों के लिए। Animals like camel also live in desert. अब इसी तरह से ऊँट जो है ये भी डेजर्ट में रहता है। इस तरह से क्या adaptation है इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। कैमल्स आर वेल अडॉप्टेड टू द हैबिटेट इन मेनी वेज सच एज, अब कैमल जो है ये भी बहुत अच्छे मुताबकत रखते हैं अपने इस हैबिटेट में रहने की। नंबर वन, इस कैमल कैन लॉस्ट विदाउट वाटर फॉर मोर देन वन अ वीक एंड फॉर सेवरल मंथ्स विदाउट फूड, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि पानी के बगैर तकरीबन हफ्तों हफ्ता गुजार देता है और मंथ महीने गुजार देता है खाने के बगैर। कैमल स्टोर फैट इन द हम एंड यूज दिस फैट एज
एनर्जी। इसके ऊपर जो कोहान बनी होती है इसके अंदर ये फैट का पोर्शन, ठीक है, ऊँट की, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि अपने फैट को स्टोर कर लेता है और फिर उसी को अपनी तवानाई के लिए इस्तेमाल करता जाता है। कैमल फीट आर वाइड सो दे कैन वॉक ऑन सैंड मोर इजीली, इनके जो पाँव हैं वो चौड़े होते हैं काफ़ी ताकि ये रेत के ऊपर आसानी से चल सकें। दे ह्यूज फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग, इनके ये बड़े पाँव इनको मदद देते हैं कि रेत जो है उसके ऊपर बगैर अंदर धंसे ये चल सकें, क्योंकि रेत नरम होती है और उसके ऊपर इतनी आसानी से चला नहीं जाता। उसके बाद कैमल्स हैव थिक लिप्स सो दे कैन ईट द प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स विदाउट फीलिंग पेन, इनके जो होंठ हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं ताकि ये कांटेदार जो पौधे हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं सहराई इलाके में उनको आसानी से खा सकें बगैर दर्द महसूस किए। द कलर ऑफ देयर बॉडीज हेल्प देम टू ब्लेंड इन टू द एनवायरमेंट, फिर इनका जो रंग है वो भी बिल्कुल रेत से मिलता है और ये भी इसको हेल्प देता है कि बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं उस एनवायरमेंट के अंदर। कैमल्स ईयर्स आर कवर विद हेयर इवन फ्रॉम द इनसाइड, और इनके जो कान हैं वो बालों से ढके हुए होते हैं यहाँ तक के अंदर वाली जानब से। नाउ पोलर लैंड हैबिटेट्स, अब हम पढ़ते हैं बर्फानी जो इलाका है उसके बारे में। पोलर लैंड्स आर एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, पोलर लैंड जो हैं ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ है। एक्सट्रीम कोल्ड अराउंड ये हर पूरा साल यहाँ पर शदीद सर्दी रहती है। दिस विंटर्स और लॉन्ग एंड समर्स और शॉर्ट एंड कोल्ड, यहाँ पे सर्दियाँ जो है वो इंतहाई लंबी होती हैं और समर भी छोटे होते हैं लेकिन वो भी ठंडे। पेंगुइन्स लिव ऑन द साउथ पोल, पेंगुइन्स पाए जाते हैं साउथ पोल में। दे हैव फीदर्स, इनके पर होते हैं विच हेल्प देम कीप देम वार्म, जो इनको गर्म रखने में मदद देते हैं। पोलर बियर्स लिव अराउंड द फ्रोजन नॉर्थ पोल, पोलर बियर्स नॉर्थ साइड पर जहाँ पर बर्फ जमी होती है वहाँ पाए जाते हैं। पोलर बियर्स आर द लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर्स, और ये सबसे बड़े जो है वो ज़मीन में पाए जाने वाले कार्निवोर्स हैं। पोलर बियर्स आर वेल अडॉप्टेड टू लिव इन देयर हैबिटेट्स सच एज़, अब पोलर बियर्स भी अपने माहौल में रहने के मुताबिक रखते हैं। कैसे? वाइट फर ऑफ द पोलर बियर हैव देम ब्लेंड विद द स्नो एंड आइस, पहली बात इनका सफ़ेद होते हैं ये रंग में, सफ़ेद पर होते हैं इनके पूरे जिस्म पे फर, और वो इनको मदद देती है कि बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आइस और स्नो के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ। थिक फर ऑफ द पोलर बियर्स ट्रैप्स हीट ऑफ द सन एंड कीप्स इट वार्म, फिर इनकी जो मोटी फर होती है पोलर बियर्स की ये हेल्प देती है इनको कि ये सूरज की रोशनी को जो है वो बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके अंदर गर्म कर देती है उसको और फिर इनका अपना जिस्म भी इंटरनली भी जो है वो गर्म रहता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच हेल्प इन स्टेइंग वार्म, इनके अंदर जो है अंदर वाली साइड पे एक फैट की तह होती है स्किन के अंदर जो इनको मदद देती है गर्म रहने में। द वाइड एंड लार्ज पॉज हेल्प पोलर बियर टू वॉक इन द स्नो, फिर इनके भी चौड़े और बड़े पंजे होते हैं जो इनको मदद देते हैं पोलर बियर्स को कि ये जो स्नो है उसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर आसानी से चल सकें। पोलर बियर्स कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग, फिर जब ये स्विमिंग करते हैं तो उस दौरान ये अपनी नाक को अपने जो नथने हैं उनको बंद कर सकते हैं। मैन मेड हैबिटेट, अब हम पढ़ते हैं इंसान की बनाई हुई हैबिटेट्स के बारे में। Humans have changed the natural habitat. Humans ने बदल के रख दिया है कुदरती मस्कन को and built cities with houses, factories, offices and roads to live and work. और बना लिए हैं शहर जहाँ पे घर, फैक्ट्रियाँ, ऑफिस और सड़कें हैं रहने के लिए, काम करने के लिए। Many plants and animals also find ways of living in a city. बहुत ज़्यादा plants और जानवर भी ऐसे हैं जिन्होंने तरीके ढूंढ लिए हैं शहर में रहने के लिए। Mice make their holes in the ground. और वार्म प्लेसेस अंडर द फ्लोर बोर्ड्स, जैसे कि चूहे हैं माइस तो ये क्या करते हैं कि इसका ये ग्राउंड के अंदर ज़मीन में जो है वो छोटे सुराख बना लेते हैं वहाँ पे फिर जो है वो रह लेते हैं। दे फाइंड एंड स्टील फूड, वो ढूंढ लेते हैं और खाने को चुरा भी लेते हैं घरों में से या फैक्ट्रीज में से जहाँ पर भी वो अपने लिए मस्कन बनाए। कैट्स हैव लर्न टू फाइंड एंड ईट फूड फ्रॉम द रबिश बिन, फिर इसी तरह से जो बिल्लियाँ हैं उन्होंने तरीका ढूंढ लिया है अपने लिए खाना ढूंढने का कूड़ों में से, कूड़े के जो बिन है। प्लांट्स आल्सो फाइंड प्लेसेस टू ग्रो, इसी तरह से पौधों ने भी अपने लिए रास्ते ढूंढ लिए हैं इन मैन मेड हैबिटेट्स में रहने के लिए। द आंट हिल एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी स्मॉल हैबिटेट, अब आंट हिल ये जो चूंडियों का एक होता है पहाड़,
वो और उसके इर्द गिर्द की जो जगह है, ये सारी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है हमारे पे एक छोटी सी हैबिटेट की। आज विल डीज हिल्स टू प्रोटेक्ट देयर कॉलोनीज, ये पहाड़ बनाते हैं अपनी कॉलोनीज को हिफाजत देने के लिए, विच आर यूजली अंडरग्राउंड, जो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होती हैं। आर्ट्स नीड हैबिटेट दैट हैव लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स, और इनको जो है ऐसा हैबिटेट चाहिए जिसके पास जहाँ पे इनको बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकें। पाइन के नीडल्स चाहिए होते हैं इन्हें, डर्ट चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, रेत चाहिए होती है, फूड भी चाहिए होता है इनको, जैसे नट्स, नेक्टर, फिर एफिड से, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। द ग्राउंड बिनीथ सम ट्रीज विद एफिड क्लोज बाय वुड बी अ परफेक्ट हैबिटेट और ग्रुप ऑफ पॉइंट, तो ऐसी ज़मीन दरख्तों के नीचे जो है ये बड़ी अच्छी जगह रहती है इनके लिए, और ये वहाँ पे अपने लिए ये हिल्स जो है वो बना देते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट्स, अब हम ये पढ़ते हैं फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसको, ऑर्गेनिजम्स आर इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म जानदार जो है ये ऐसे अकेले जानदार हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रिमेंडस डाइवर्सिटीज, बावजूद इसके कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हिलाओ के, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सम बेसिक नीड्स, फिर भी तमाम जानदारों की कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, एंड देयर एनर्जी एंड मैटर, वो क्या है, इन्हें तवानाई चाहिए, इन्हें मादा चाहिए, दे ऑल डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट टू मीट देयर नीड्स, ये सारे अपने माहौल के ऊपर मुनहसर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, एंड द कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि मसलसल जहाँ से इनको जो है वो एनर्जी मिले। Sunlight is the main source of energy. सूरज की रोशनी सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी का for all the ecosystems, तमाम ecosystems के लिए। And the matter is recycled, और matter को इसी तरह से recycle किया जा सकता है। Water and elements such as carbon and nitrogen are used over and over again. पानी और दूसरे एलिमेंट जैसे carbon और nitrogen है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। One of the most important component of ecosystem is niche. सबसे ज़्यादा अहम एक और component वो क्या है, नीश। नीश रेफर्स टू द रोल ऑफ अ स्पीसी इन इट्स इकोसिस्टम। नीश से मुराद है कि एक जानदार का अपने हैबिटेट के अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर किरदार क्या है, वो वहाँ पे क्या काम करता है। इट इंक्लूड्स ऑल द वेज बाय विच द स्पीसीज इंटरैक्ट विद बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके अंदर वो सारे तरीके आ जाते हैं जिस तरह से एक स्पीसी जो है वो अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसके साथ जो है वो ताल्लुक रखती है। टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीसीज, दो अहम जो है एस्पेक्ट स्पीसीज के, नीश आर फूड एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन, वो क्या है कि खाना वो उसको कैसे हासिल करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं इकोसिस्टम के अंदर, सबसे पहले प्रोड्यूसर, एन ऑर्गेनिज्म सेट कैन मेक इट्स ओन फूड, एक ऐसा जानदार जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि सूरज की रोशनी को बदल देते हैं अपने खाने में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस के अमल के जरिए। ऑल फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, तमाम फूड चेन्स जो है प्रोड्यूसर से ही शुरू होती हैं। नंबर टू इज कंज्यूमर, एन ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट ट्रीट अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट एनर्जी, एक ऐसा जानदार जो कि दूसरे जानदारों को खाता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, तमाम जानवर कंज्यूमर्स हैं, इवन ह्यूमंस। फूड चेन, सिंपल डायग्राम शोइंग द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट, जो कि एक जो है वो सिंपल बताए जानदारों का आपस में रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ हम बढ़ते हैं, वैसे हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक फूड चेन है, लाइक पहले जो है ये इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, और ये प्रोड्यूसर्स को जो है कौन खा रहे हैं, कंज्यूमर्स, दैट इज़ कि ये ग्रास है और इससे हासिल कर रहा है अपने लिए फूड ये खरगोश, और फिर इसको आगे से खा जाते हैं नेक्स्ट, तो ये भी कंज्यूमर ही हैं, जो कि ये हर्बीवोर्स कहलाएंगे, ये प्लांट्स हैं, ये हर्बीवोर है और ये कंज्यूम, ये कार्निवोर्स हैं। तो ये फॉक्स है जो कि इसको खा जाएगी आगे से, तो ये एक फूड चेन है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है फूड वेब, और फूड वेब में ये होता है कि अब ये जो ग्रास है इसको सिर्फ यही तो नहीं खाएगा, यहाँ से एक नई फूड चेन भी चल सकती है, फिर यहाँ से एक नई फूड चेन चल सकती है, और जब एक कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ फूड चेन आपस में इंटेंगल करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, तो हम उसको फूड वेब का नाम देते हैं। फूड वेब अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम, एक पचीदा डायग्राम शोइंग द इंटरकनेक्शन फूड चेन इन हैबिटेट, जो कि आपस में जुड़ी हुई फूड चेन का आपस में रिलेशन बताएंगी हैबिटेट के अंदर। शो द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन, अब हमें जो डायरेक्शन है एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे ट्रैवल होती है इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन कम्युनिटी, इन एन इकोसिस्टम, वो हमें इसी से पता चलता है।
स्लो ऑफ एनर्जी। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करते हैं द एनवायरनमेंट, माहौल में लिव जहाँ वो रहते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स सिर्फ वही जानदार हैं, प्लांट ही बस वो जानदार हैं जो कि अपना खाना खुद तैयार कर सके हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी से। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, वो सब्ज रंग का पिगमेंट जो पत्तों में पाया जाता है, कैप्चर द एनर्जी, वो एनर्जी को पकड़ता है फ्रॉम द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द ग्लूकोज, और फिर इसको ग्लूकोज में बदल देता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। यू नो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं अब आप कि इस प्रोसेस को जिसको ये पीछे जिक्र कर रहे हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसीलिए तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स। एनिमल्स जो है ये एनर्जी हासिल करते हैं प्लांट्स को खा के, अदर एनिमल्स या फिर दूसरे जानवरों को खा के, एंड दे कॉल कंज्यूमर्स, जो इसलिए उनको कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एज ए कंज्यूम फूड। तमाम जानवर कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ये खाने को कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, प्लांट की सूरत में या फिर किसी दूसरे जानदार की सूरत में, उसको खा के तो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। अब कंज्यूमर्स को आगे से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनके खाने के बिहेवियर, यानी वो तमाम जानवर एक दूसरे से खुराक लेते हैं लेकिन किस किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हर्बीवोर्स हैं, दे ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी, ये पौधों को खाते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। दे आर एन एसेंशियल लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, बड़ा जो है इंपॉर्टेंट ताल्लुक है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान में। एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स की, डियर, रैबिट, ज़ेब्रा, काउ, एक्सेट्रा, ये सारे जो कि दैट डिपेंड्स ऑन द ओनली प्लांट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। देन द कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स, ये वो हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। दे आर कॉल्ड मीट ईटर्स, इनको गोश्त खाने वाले जानवर कहा जाता है। एग्जाम्पल है लॉइन, फॉक्स, पेंगुइन्स, हॉक, डॉग एक्सेट्रा, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं बिकॉज दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स को खाते हैं। देन द ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ मीट एंड प्लांट, ये वो हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। बियर, चिकन, क्रो, रैकून्स एक्सेट्रा, ये सारे ओमनीवोर्स हैं। इवन ह्यूमंस आर आल्सो ओमनीवोर्स, इंसान भी ओमनीवोर्स हैं। देन द डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ये वो जानदार हैं दैट ब्रेक डाउन द रिमेनिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो तोड़ देते हैं उन जानवरों को जो कि मुर्दा हो जाते हैं, ये मुर्दा जानवरों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। आई रिसाइकल द रिमेन बैक टू द एनवायरनमेंट, और उनके अंदर से जो वो हैं इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, उनको वापस एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। दीज रिमेन्स डिसअपीयर इन द सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल, ये जो बकाया जात हैं ये गायब हो जाते हैं, ये हल हो जाते हैं सॉइल में और फिर उसको मजीद ज़रफेज बनाते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो कब्रिस्तान होती है वहाँ पर बहुत हरियाली होती है अक्सर कपड़ों के ऊपर इर्द गिर्द, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अक्सर डीकम्पोजिशन में प्रोसेस हो रहा है, जो बॉडीज हैं उनकी जिसम को तोड़ा जाता है और इसमें से जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्वायरमेंट में जो है वो शामिल हो जाती हैं सॉइल में भी, और वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती हैं, इसलिए वहाँ पे जो वो है फर्टिलिटी भी घट जाती है उस लैंड की। डीकम्पोजर्स आर क्लासिफाइड इनटू स्क्वेंचर्स एंड डिट्रिटिवोर्स, इसमें जो है हमने इसको डिवाइड किया है। जो स्क्वेंचर्स हैं ईट द फूड, स्क्वेंचर्स ईट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द डेड एनिमल्स, ये जो है उस हिस्से को खाते हैं जो नरम हिस्सा होता है, जैसे कि वल्चर्स हैं, रैकून्स हैं, ग्लोफ्लाइज हैं, और डिट्रिटिवोर्स वो हैं जो कि डेड मरे हुए पत्तों को, इसके अलावा एनिमल्स के फीसिस को और रिमेन्स को जो कि ये स्वेंचर्स छोड़ देते हैं उनको खा लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं डिट्रिटिवोर्स की, आर्थ्रोपॉड्स हैं, मिलीपेड्स हैं, डंग बीटल है, वुडलाइज है, स्लग है, फंजाई बैक्टीरिया जो है ये भी खाते हैं डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को। फंजाई आर द ओनली प्लांट्स, ये वही जानदार हैं जो कि वुड को डिकम्पोज करते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस पूरे समय में मैटर को तोड़ा जाता है ह्यूमस में सॉइल एंड इट मेक्स अ सॉइल मोर फर्टाइल, और ये बना देती है ज़्यादा सरफेस और प्रोवाइड करती है मिनरल सॉल्ट्स इन्वायरमेंट को,
और रिक्वायर्ड है प्लांट्स, प्लांट्स को चाहिए होते हैं टू ग्रो, ग्रो करने के लिए, मेक फूड और खाना बनाने के लिए. नेक्स्ट इज द फूड चेन. एवरी लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव. हर जानदार को एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए. दे नीड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस लाइक मूविंग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मोर. इनको एनर्जी की जरूरत होती है अपने लाइफ के प्रोसेस करवाने के लिए, जैसे मूव करना, रेस्पायर करना, रिप्रोड्यूस करना, ग्रोथ करना, ऐसे ही बहुत ज़्यादा. फूड चेन शो करती है दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड, कैसे एक जानवर अपना खाना हासिल करता है, एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड, और कैसे न्यूट्रिएंट और एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक जानवर से दूसरे जानवर. फूड चेन ऑलवेज बिगेन्स विद अ प्लांट. फूड चेन हमेशा प्लांट से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से, एंड एंड विद एन एनिमल कंज्यूमर, और खत्म होगी कंज्यूमर. सिंपल एग्जाम्पल फूड चेन की दिस वन हमने पहले भी डिस्कस किए. Grass is a forest producer and its own food through photosynthesis. Grass जो है ऐसे forest produce हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं photosynthesis के लिए. Rabbit eat करता है grass को और fox eat कर लेता है rabbit को. इसी तरह से caterpillar may eat the flower leaves of the plant in the forest. इस तरह से जंगल में caterpillar जो है वो पत्तों को खाता है, पौधे की. फ्रॉग में ईट द कैटरपिलर, फ्रॉग जो है उस कैटरपिलर को खा लेता है. स्नेक में देन प्रे ऑन फ्रॉग, और फिर ये जो स्नेक है ये फ्रॉग का शिकार कर लेता है, और ईगल जो है वो स्नेक का शिकार कर लेता है. नीचे ऑक्सीजन का यह सनलाइट ये बना रहा है, ये कैटरपिलर है जो कि इस प्लांट के पत्तों को खा रहा है. ये फ्रॉग इस कैटरपिलर का शिकार कर लेगा, स्नेक इस फ्रॉग का, और ये जो हॉक है ये इस. The last topic of this video is food web. Food web is a graphical representation. ये एक जो है वो तस्वीर के जरिए represent करवाना. Image जिसके अंदर all the food chains of an ecosystem are shown. इसके अंदर एक ecosystem की सारी food chains दिखाई जाएं. Every living organism in ecosystem, हर जानवर ecosystem के अंदर is a part of multiple food chain. हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा food chains का. All the interconnected and overlapping food chains make up. ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन जो है वेब बनाती हैं. जैसे फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ फूड वेब की क्या डेफिनेशन है. नेटवर्क ऑफ फूड चेन एक ऐसा नेटवर्क फूड चेन इसका विच इंटर कनेक्टेड एट वेरियस लेवल जो कि जुड़ा होता है आपस में मुख्तलिफ लेवल्स पे टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस. बहुत ज़्यादा जो खाने के ताल्लुक के लिहाज से अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ जानदार हमें प्रोवाइडेड कम्युनिटी इज कॉल्ड अ फूड वेब. पिक्चर नीचे दिखाई गई आपको, जैसे यहाँ पर लिखिएगा ये इस तरह से कि ये सारे यहाँ से शुरू होती है नीचे. अभी ये पहले को डिस्कस करें तो ये है प्लांट, प्लांट को रैबिट, और रैबिट से आगे फॉक्स, और इस तरह से प्लांट से रैबिट, रैबिट से आगे ये है फॉक्स, और फॉक्स से आगे ये हॉक. इस तरह से ये मल्टीपल जो फूड चेन्स ये जा रहे हैं सारी साइकिल. तो इसके बाद जो है यहाँ पर हमारी वीडियो ये वाली एंड होती है पेज नंबर 68 तक. नेक्स्ट और नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.